अंग 142 जाति बारे शंका करके नीवी जाति तो नफरत ना करो जी प्यारे जाते छूटे गयो ब्रह्म और का तिह आगे दू क्या तुरका गौर मर्यादा अनुसार जाति नफरत नहीं है जी एको पिता एक के हम बारक अनुसार सारे एको ही बाटे सकते हन जिन्हा नू शुद्धी प्यान बिमारी होवे जा जिन्हा दी किरिया अति मिलीन तमाकू जा मुर्दे पशु खान वाली होवे पावे हो उच्ची जाति चो होन उन्हा नू अड छकाया जावे जिमे सतगुरु तीजे पातशाह जी दे दरबार दे सामने प्रेमा कूड़ी पिया धन गुरु अमरदास साहब जी जपदा सी उस नू गुरु दरबार वजाउण दी आग्या नहीं सी क्योंकि छूत दी बिमारी है। इसे तरह अजिहे बंदियां दे कठे छकण करके छूत दी बिमारी लग सकती है। सो जिन्हां दी किरिया मलीन है जां जिन्हां नू छूत दी बिमारी है ओह भी अपनी गलती समझ के गुस्सा ना करन अपनी ही सोध करन जी। अंग 143 पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी परम पूजनीक संत बाबा सुंदरशन साहिब जी सारे नू इकट्ठा अमर छकाउंदे नीवी जाति तो महापुरुष जी दे अंदर नफरत नहीं सी आम लोग अमृत घट छकन लग गए इस घाट नू संभालन लई परोपकारी महापुरुष दोहां नू अड अड भी छका दिंदे जिथे नफरत ना होवे उथे इकट्ठा छकाउंदे इस तरह पंथ च अमर छकन वाले दा वाधा होया। सो उची नीवी जाति वाले एक वाहिगुरु पिता जी दे सुपुत्र हन भेड़े नशे ते मलीन खाने त्यागने चाहिदे हन खंडे बाटे दा अमर छकना क्यों जरूरी है जी। अनंत ब्रह्मंडा दे मालक सर्व पालक सर्व पकालक परम पूजनीक वाहिगुरु सतगुरु तेग बहादुर धर्म दी चादर कुदर दे कादर जिथे सिमरिए तिथे हाजर सतगुरु साहब जी ने दिल्ली जाके अपना शीश दिता हिंदुआ सिखा मुसलमाना गऊ गरीबा साधुआ संता नू जुल्म तो बचाया। धन बाबा जीवन सिंह साहब जी भाई जीता जी सतगुरां दा परम पूजनीक पवित्र शीश दिल्लियो श्री अनंदपुर साहब जी लियाए धन सतगुरु तेग बहादुर साहब जी दे परम प्यारे जाइए बलिहारे सदा सदा करिए नमस्कारे धन लखी साहब वणजारे लोक परलोक जय जयकारे महिमा अगमा पारे जी ने परम पूजनीक सतगुरां दे परम पूजनीक धर दा सत्कार कीता अपने महल नूं अग ला दित्ती। जदों भाई लखी शाह जी सत्संग जी समेत दिल्लियों सतगुरु नौवें पातशाह जी दे दशहरे ते श्री आनंदपुर साहिब जी आए तां सतगुरु प्रभु दसवें पातशाह जी ने कहा आओ लखी शाह वणजारे सतगुरु तेग बहादुर साहिब जी दे प्यारे परम पूजनीक धर्मी पिता जी दे धड़ दा सत्कार किवें कीता कहा जी ए शुभ कार्य सतगुरां ने आप ही करवाया है। महा पापी गुरद्रोही संत दोखी नौरंगे ने आत अहंकार सहित दिली च होका दवाया जे कोई सतगुरु तेग बहादुर साहब जी दा प्रेमी सिख है तां ओह सतगुरां दे परम पुत्र धड़ दा सत्कार कहे 1400 करसी सारे ही डर गए। सतगुरु दसवें पातशाह जी दे रोम रोम च सतगुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अदुती कुरबानी दा पूर्ण ध्यान प्रेम वैराग सी। हजूर ने पहाड़ी वीर रस नाल गज के कहा जिवें सब आश्रमां चो गुरमत मार्ग ते चलदियां गुरसिखी कमाउंदियां ग्रस्त धर्म प्रधान है पत्थरां चो पारस नदियां चो समुंदर 84 लाख जून चो मनुखा जन्म च
ਚੌਪਾਇਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੀ ਸ਼ੇਰ ਪੰਛੀਆਂ ਚੋਂ ਹੰਸ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਗਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ ਇਉਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖਾਲਸਾ ਰਚਾਂਗਾ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਗ 144 ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਮਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਪੂਰਨ ਮੇਹਰਵਾਨ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਖੰਡ ਵਰੰਡ ਉਦਾਰਨ ਹਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ ਬਹੁ ਵਿਦੇ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਚਨ ਹਾਰ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰ ਛਕਣਾ ਬੇਦੀ ਵੰਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬੇਦੀ ਵੰਸ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਜੀ ਸਭ ਬੰਸ ਤਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਬੰਸ ਪੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਸਫਲੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣੇ ਕਰਕੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਦਾਤ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਆਰੰਭ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛੋ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ 60 ਵਰੇ ਦੀ ਆਯੂ ਚ ਘਰਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੁਭ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਬਾਬੇ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਹੋਏ ਅੰਗ 145 ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤਖਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਗੋਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਸਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਸਤੇ ਚ ਦਾਸ ਦੇ ਨਗਰ ਪੁੱਛੋ ਚ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਓ ਜੀ
सचे पासा जी कहा भाई अमृत छको इस न कही अगो अगे रस्ते च पुछो पहुंचे इथे ढाब च घोड़े ने पानी ही ना पीता ता हजूर कहा भाई इस पिंड च निगुरा दयाल दास रहिंदा है निगुरे पुणे दी निगुरी बदबू पानी च होन करके घोड़े ने जल नहीं छकिया दयाल दास जी ने लंगर छकन नू कहा सतगुरु नहीं छकिया भाई राम सिंह जी दी सब प्रेरणा करके इन्हां ने दमदमे साहब जी आ के अमर छक के सतगुरु दी परम प्रसन्नता लई साते गुर कीनो परोपकारो अनुसार खालसा गुरु गुरु खालसा पंथ जी दी शुभ सची साजना सावधान एकागर चीत नानक निरभौ निरंकारो सतगुरु साहब जी ने शीश मंगने सतजुग चो सतसंध राजे दे राज समय स्वास बीज दीर्घ दौड़ दो जालम दैंत परजा गऊ गरीब नू मार के खपाउन लगे इन्हां ने सारे देश च अपने नाम दी दुहाई फरा दित्ती आत अहंकार नाल अपने डोले ठोकन लगे गर्भ प्रहारी अंतरजामी भगत वत्सल कृपा निदान ज्योति स्वरूप सर्व प्रकाशक व्यापक ब्रह्म जी ने महान कृपा करके महाकाल रूप धार के इन्हां दंता नू मार के मुल्क अंदर सुख शांति वरताई सतजुग विच सचखंड श्री हजूर साहब जी दी धरती 40-40 कोह सोने दी सी इथे गोदावरी किनारे बैठ के महाकाल जी ने बड़ा लम्मा समा वाहिगुरु जी दी कणी बंदगी कीती कसाना नूं मार के 1,00,000 गां छुड़ाई तां आप जी दा नाम दुष्ट दमन जी पै गया दस दमन जी ने 1100 वरा न्याम धर्म दा राज करके सारी प्रजा नू महान सुख बख्शे राज साज तों प्राम होके श्री हेमकुंड साहब जी विखे बहुत भारी बंदगी कीती वाहिगुरु जी ने परम प्रसन्न होके अपने परम पितर सुखदायक अचार्य महाविस्माद सुंदर दर्शन अपने निर्गुण सरगुण सूब जी च लीनता एकता बख्शी मात लोग च प्रगट होके खालसा पंथ साजन दा हुकम दिता चित न पयो हमरो आवन कह चुभी रही स्रोत प्रभ चरण महे अंग 146 अनुसार चरण कमला जनीन बिस्मा सन आप जी ने बड़ा भारी चज मुल्क वर मंगया हे अकाल पुरख साहेब जी धर्म युद्ध करदिया भावे गोलियां तीर वरसदे होन लखां वैरियां दा घेरा होवे सरवंश कुरबान हो जावे माछी वाड़े दे जंगल चो टिण दा सराणा ला के कंडियां दी सेज ते बराजिया होवां आद हर कौड़ो बिपता कर समय अते गुरता गद्दी संघासन ते सुख सहत सजन समय हर हालत विच आप जी दे महाविस्माद सच्चे चरण कमलां च लीन अभेद रहा आप जी ने सर्वव्यापी महाविस्माद कृपा करके इस नीच कीट च अभेद रहना जी निर्गुण यारे की बेनती देहो दारसो हारे रायो अनुसार प्रेम बेनती सुन के अकाल पुरख जी ने परम प्रसन्न हो के इस वर बख्शिया मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्रचुर करवे कहो साजा गुरमुख पिता गुरमुख सपुत्र च कोई फर्क नहीं हुंदा जी जब वरदान समय वह वावा अनुसार अकाल पुरख जी दे दिते सब वरदा भागा भरिया समा 1756 बिक्रमी 1 वसाख नूं खालसा पंथ साजन दा आया गोहज कथा लिखती पोथी च ए लिखिया है कोटे
ब्रह्मांड को ठाको रो स्वामी सतगुरु दसवें पातशाह जी ने सारे देश च हुक्मनामे भेजे वैसाखी नू वध तो वध गिनती च सत्संग जी हम हमा के श्री अनंतपुर साहब जी विखे आवो आग्याकारी अंसारी नितनेम प्रेमियां दी 10 लाख दी एकत्रता हो गई जी। सर्वंस दानी सतगुरु दसवें पातशाह जी ने श्री आनंदगढ़ किले च दही नाल परम पवित्र केसी स्नान कीता। नवीन पंज ककार पहने सुंदर नवीन चोला पहनिया मैं गुर मेले उच दमालड़ा अनुसार सुंदर नवा दमाला सजाया जिस चमकीले चक्कर सजाए जिन्हां दे चमकारे अगे वैरी दा निशाना उक जांदा। मजदे जंग च आप जी दे सामने लड़न आया तारों विरोधी कंब उठदा सोहनी उची कलगी शोभनी खो रही सी। पार ब्रह्म दे सच्चे गुर अवतार पूर्ण परपकारी साहब सतगुरु जी नीले ते सवार सन। दो प्रेमी सामने दो श्री निशान साहब जी पकड़ के तुर रहे सन। नगारे भी वजदे जा रहे सन जथा झंडे झूल दे नगारे आउंदे वजदे नीले दे असवार पातशाह। बाबा आलम सिंह जी बाबा उदय सिंह जी भाई बचित्र सिंह जी पंज प्यारे जी बाबा संत सिंह जी प्यारे दया सिंह साहब जी प्यारे धर्म सिंह जी प्यारे हिम्मत सिंह जी प्यारे मोहकम सिंह जी प्यारे साहेब सिंह जी पंज प्यारे अते बाबा संत सिंह साहब जी भाई संघ सिंह साहब जी आदि समूह सूरबीरां दे मंडल च अपने अजप्पा जाप निर्गुण सूब जी द्वारा कोटान कोट चंद्रमिया सूरजां तारियां अग्निया टटियाणिया बिजलियां ब्रह्मंडां दे प्रकाशक श्री सतगुरु साहब जी इउं अत्यंत शोभा पा रहे सन जिवें तारे मंडल च सुंदर चंद्रमा सजदा शोभदा होवे। अंग 147 रस्ते दे दोहीं पासें प्रेमी हाथ जोड़ सिर झुका हो काटो काटे बाद सिर रखो जेतो नानको संतो चढ़ आवे तू चौ सजन मेंढिया दी सिस उतारे शीस वड्डे कर बैसाणु दीजै वेणु सिर सेव करीजै वाली प्रेम भावना नाल महा बसमाद सुंदर दर्शन करके गदगद होए जी। सब दे मथे धरती ते लग गए सारे धन गुरु गोविंद सिंह साहब जी धन गुरु गोविंद सिंह साहब जी गूंज उठे सतगुरां दी महिमा दी गूंज सारे ब्रह्मंडां च फैल गई जथा खंड वर भांडे हारे शोभा हुई एहो दान ना रलै रलाया साते सुहानु सदा माने चाओ जह चेल मेल कारु दिसंता तह अनहद शब्द बजंता अनुसार सतगुरां दे रोम रोम च अनहद चुनकार वाला महा बसमाद आनंदी अजप्पा जाप हो रहा सी। सतगुरु साहब जी चेल मेल कारो एक रस बज में महा बसमाद सच्चे सुचे पुनीत प्रकाश लीन नीले ते असवार समूह शास्त्रा नाल सजे फबे भारी बीदसी दर्शन बख्श रहे साना। ताखत श्री केसगढ़ साहब जी वाले स्थान ते उस समय दे 2.5 लाख रुपए दे सुंदर तंबू च अत्यंत सुंदर कीमती चंदोआ ला के सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश कीते। तंबू तो बाहर उचे तख्त ते सतगुरां दे बैठन लई सुनहरी छतर साज रहा सी जिस उपर सुंदर चंदोआ ताणिया सी। लखां दी गिनती च सजे गुरसंगत जी श्री आसा जी दी वार दा अमृत कीर्तन सुन रहे सन।
परम पूजनीक सतगुरु साहब जी दे जान तो सत्संग जी उठ के खड़े हो गए। गरीब नवाज सतगुरु साहब जी ने सत्संग जी नूं बैठण लई इशारा किया। तंबू अंदर जाके सतगुरु ग्रंथ साहब जी नूं नमस्कार करके बाहर आए। परम पूजनीक सच्चे सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी दे सुंदर गुरता सिंघासन नूं नमस्कार करके अत्यंत शोभा सहित गुरता सिंघासन ते सज गए। वाह वाह कैसा बसमात नजारा है गुरता गद्दी सिंघासन नूं। धन गुरु नानक साहब जी दा गुरता सिंघासन मन के नमस्कार कर रहे हन। जो दुनिया ते किसे भी राजे महाराजे अवतार अवतार पैगंबर ने नहीं कीती। सतगुरु महाराज साहब जी सब कुछ ही धन गुरु नानक साहब जी दा मन के प्रैक्टिकल कमा के अमली तौर ते कमा के दस रहे हन। यथा कबीर मेरा मुझ में केछ नहीं जो केछ है सो तेरा तेरा तुझ को सौंप ते क्या लागे मेरा कोटान कोटे सूरजां दे प्रकाशक गुरु पेसर जी दे भारी भी दसी चेहरे वल तक्या नहीं सी जांदा प्रेमी कन्ना नाल अमृत कीर्तन सुनदियां नेत्रां नाल सतगुरां दे महा बसमाद नूरी अलाही सुंदर सच्चे सुचे दर्शन करदियां रोम रोम करके वाहिगुरु 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 जप रहे सन। महला दसवा महाकाल गुरमुख दुष्दमन पार ब्रह्म पुरख दाता रह अगम गोचर। श्री सतगुरु साहिब जी ने श्री आसा जी दी वार भोग ते प्रेम सहित हथ जोड़ सिर चुका मथा टेकया। ऐसे भागां परे सब सचे समय सब दे मथे धरती ते लग गए। सारे दे लू लू बड़े बसमाद होए सू सत्संग जी महा बसमाद हो गए। जीवान संपूर्णता अरदास उपरंत सावधान एकाग्र चीत नानक निरभौ निरंकारो सतगुरु साहब जी ताकत श्री केसगढ़ साहब जी ते भारी वीरता सहित सावधान खड़े हो गए। अंग 148 म्यान चो श्री साहब जी कढे जिन्हा चो महाबसमाद भी दसी चमको निकली। जिसनू वेख के जालम ते मसंद अंबर भी कंब उठे। जथा नमो श्री भगवती बडैली सरोही करे एक ते दो सोबट हाथ हो ही। 13 महीने अकांत भजन सुन बंदगी मगरों परम पूजिक वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी ने महा बसमाद कौतक रचिया। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सेरो तारे तली गली मेरी आओ ए तो मार गे पैरो तरीजे सेरो दीजे काने न कीजे पहला मरानु कबूले जीवन की छाडे आस हो सबना की रेण का तो आओ हमारे पासे। अनुसार सच्चे सतगुरां ने वीर रस नाल तकदियां कहा परम पूजनीक सतगुरु साहब जी दे घर च एक सिर दी लोड़ है। आओ जिसने अपनी धौण दसन दास दी श्री साहब तों बढ़ाउणी है कोई परपकारी उठे सिर दे के अमर होवे दसन दास दा साहिब बने सदा ही मन्या पूजया जावे। सरदार सिंह कहावे जे गुर परमाए सांग उकारे क्या सिख विचारा। अनुसार सारे ठटंबर कंब गए सारे वातावरण अंदर सन्नाटा छा गया। बाल आन बाल राज आन राज जी दा तेज प्रताप सहारिया ना गया।
ਨਿਸਰਦਕ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦਾ ਨੂੰ ਧੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੂਜਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਲੰਘ ਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਲ ਖੇਲ ਲੈ। ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਭਾਈ ਧੌਣ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜੇ ਜਗ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਰਵ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾਵਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਲੇ ਬਾਲ ਜਾਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਬਣਾਵਾ। ਬੱਦਲ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬੀਰਸੀ ਗਰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਠਾਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਣੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਖ ਸੀਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਹਲੀਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸਹਿਤ ਸਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ 149 ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚੇ ਨੂਰੀ ਅਲਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੂ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰਹੋ ਕੇਛੋ, ਮੇਹਰ ਉਪਾਵਹੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੋ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਯਥਾ ਧਾਨੋ 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 ਜਾਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਬੂ ਜਾਗਰ ਤੋ ਤਰਾਇਆ, ਧਨ ਜਨਮੋ ਤਾਹੀ ਕੋ ਗਣੈ, ਮਾਰੇ ਏ ਕਹੇ ਤਾਜ ਜਾਏ ਘਣੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਾਂਕਰੜੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਜੀ ਭਲਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਸੋ ਬਚਨ ਕਮਾਏ, ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸੋ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਚਿਆਰੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਾ ਪਏ ਕਬੂਲੋ ਖਸਮ ਨਾਲੇ, ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ। ਸੋ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਕਰਨੀ ਜੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਚ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ।
प्यारे दया सिंह साहब जी दे सीह देन तो असांखो सब गुणों सिखी दा बीज रहना गुरु खालसे जी दे अतचे महान परोपकारी कारनामे। प्यारे दया सिंह साहब जी पिता मैया राम जी माता शोभा देवी जी छतरी वंश लाहौर विखे 1725 बिक्रमी फगन संगरांद अमृत वेले ऐतवार प्रगटे 13वें साल च धन सतगुरु 10वें पातशाह जी दी सर्वव्यापी मिठी प्यारी सची पाक शरण श्री आनंदपुर साहब जी आए 1765 बिक्रमी अस्सू अमावस नूं श्री हजूर साहब जी विखे सचखंड गए। सतगुरां दे सतकारे गुरुंग प्यारे महान परमकारी धीज तारी भाई साहब प्यारे दया सिंह साहब जी दे सीस देन तों सिखी दा बीज रह गया। सतगुरु दूजे पातशाह जी दी सीस देन दी परपाटी अनुसार इन्हां ने अपना सीस दे के 8 साल 30 सगल पुन जी दया परवान नूं अनुसार अपने जी ते दया करके 84 दे गेड़े चों अपने आप ते अनेकां नूं बचाया। आप जी दे सीस देन तों गुरु पंथ जी अंदर दया आई जिस करके गुरु प्रेमियां ने अपनियां जानां कुर्बान करके महा दुखियां नूं महा सुखी कीता मरदियां नूं बचाया धर्मियां दे धर्म दी रखिया कीती। अंग 150 जिवें सतगुरु साहिब जी दे अनन सेवक शहीद भाई तारू सिंह साहिब जी ने अपना खोपरा लुहाया दीन कबूल नहीं कीता। आप जी दा जन्म नगर पूला जिला लाहौर तहसील कसूर सी धर्मी नेक पुरख बाबा तारू सिंह साहिब जी आप हलवा के आई सत्संग जी दी सब सच्ची प्यारी सेवा करदे सन। एक दिन आप जी गुरु प्यारे दुलारे सूरबी बहादुर सिद्धकी धर्मी योधे सिंह आले लंगर लैके जंगल च गए। बहादुर सूरमे सिंह 7 दिनां दे भुखे सन। भाई साहब जी ने प्रशादा वरता के कहा प्यारे गुरु खालसा जी हिंदू राजयां दीआं नौजवान बच्चियां नूं जालम कैद करके ले जा रहे हन वहन पौंदियां विरलाप करदियां जा रहियां हन। ए सुन के सतगुरु साहिबान जी दे लाडले बहादुरां नूं बहुत भारी जोश आया जो दे अंग्यार वांग भक उठे प्रशादे वापस कर दिते ते कहा असीं नौजवान बीबियां नूं छुड़ा के ही छकांगे पिंड बल्लो के दरिया हेड ते जा के 7 दिनां दे भुखियां सिंघां ने वैरी ते जबरदस्त हल्ला करके बहुत कटा वड्डी कीती गिलजा नूं मार के 18,000 बीबियां नूं छुड़ा के पूर्ण सत्कार नाल उन्हां दे घरीं पहुंचाया। एक भी बीबी नूं अपने घरे नहीं वसाया गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दे वचनां नूं कमाया गुरु खालसे कहाया। अंग 150